लास्ट टाइम हमने स्पीड ऑफ बोर्ड का भी क्वेश्चन एक किया था, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का, 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक एक्सरसाइज का किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ 2.7 टू रेज पर 1/3 मल्टीप्लाई लेवल 12 रेज पर 1/2 मल्टीप्लाई 27 1/3 5 1/2 10 अपॉन 10 रेज पर 1/2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18 1/2 मल्टीप्लाई बाय 81 1/4 2 raised by 1/3 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 12 ko break kiya 1/2 multiply by 3 raised by 3 4 raised by 1/3 multiply by 5 1/2 upon 5 multiplied by 2 whole 1/2 multiplied by 2 multiplied by 2 whole minus 1/3 multiplied by 3 the power 2 multiplied by 2 18 ho jata hai 1/2 multiplied by 81 को ब्रेक करेंगे
81 को 3 की पावर 4 कर देते हैं, 3 की पावर 4 होल 1 ओवर 4। देखिए बेटे, ब्रेक करने के बाद हम इसको, ये देखिए 2 रेस पावर 1 ओवर 3 लिखा हमने ये, उसके बाद 2 की पावर 1 ओवर 2 हर नंबर की ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसकी पावर 1 ओवर 2 लिखेंगे। इसमें 2 पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 से कैंसिल पावर हो गई, 3 आ गया, 5 1 ओवर 2 अपॉन 5 की पावर 2 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 1 ओवर 2 इसे कैंसिल होगा और 2 रेस पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय ये भी 3, 4, 4 से कैंसिल होगा। ओके, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ऊपर से हमें आसानी हो जाएगी ब्रेक करने में। ये 2 को 3 को दो दफे ले लेंगे, 3 की पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए आप ऊपर कैंसिल, ये 1 ओवर 2 1 ओवर 5 कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 ओवर 2 3 की पावर इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 1 ओवर 2 था, ये 2 की पावर 1 ओवर 2 इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 की पावर 1 ओवर 3, इसको ये जो है इसको ऊपर लेकर आए, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1 ओवर 3, इसको भी ऊपर ले जाएं 2 की पावर 1 ओवर 3, नीचे हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ 3 की पावर 1 ओवर 2 क्या रह जाएगा, 3 की पावर 1 ओवर 2 रह गया, इज इक्वल टू एक ही 2 लिखा, 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 अपॉन 3 की पावर 1 ओवर 2 3 की पावर 1 ओवर 2 1 ओवर 2 3 की पावर 1 ओवर 2 लिखेंगे। इज इक्वल टू 2 की पावर एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 1 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ऊपर 2 की पावर 3 ओवर 3 अपॉन 3 की पावर 1 ओवर 2, 3 की पावर 2 ओवर 3 की 3 को रूट में कर दिया। ये रूट जो है इसको हम रैशनलाइज करते हुए लिखेंगे, 3 की पावर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें और रूट 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रूट 3 ओवर, दो दफे नीचे रूट में 3 आ जाएगा, जब दो दफे रूट 3 में आ जाए तो उसका एक 3 रूट से बाहर आकर बनता है,
3 multiplied by 3 root is equal to 2 over 3 into akela root 3 upar reh gaya. Ye aapka answer aayega. Answer aapne is form mein dena hai. Answer aapko is form mein dena hoga. Okay bete, ye question number humne 13 kiya hai. उसके बाद लास्ट का आपका एक क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा से, गौर से पहले इस क्वेश्चन को देखिए. हमने क्वेश्चन नंबर 13, 2 रेस पर 1 ओवर 3, 12 रेस पर 1 ओवर 2, 27 raised by 1 over 3, 5 raised by 1 over 2, 10 raised by 1 over 2, 4 power minus 1 over 3, 18 to the power 1 over 2, 81 to the power 1 over 4. 10 2 ki power 1 over 3 इसी तरह लिख दिया गया, ये आपको इसी तरह आपने लिखा हुआ है. 12 को ब्रेक किया, 2 multiplied by 2, 2 to the 4, 3 is 12. मल्टीप्लाई 27 को 3 की पावर 3 लेकर 1 ओवर 3 लिखा और 5 की पावर 1 ओवर 2 एज इट इज लिखा दिया. ओके, नीचे 10 है तो 5 टू द 10 कर दिया 1 ओवर 2, 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 करके 1 माइनस 1 ओवर 3 ले लिया. 18 था, 18 की 3 को 3 की पावर 2 और 2 3 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 ओवर 2, 3 की पावर 2 को दो दो में लिख लेंगे ताकि ऊपर से ही हमारा 3 कैंसिल हो जाए. नीचे देखिए हमने आगे लिखने लगे हैं, ये पहले तो हमने 5 की पावर 1 ओवर 2, 5 की पावर 1 ओवर 2 से कैंसिल कर दिया, 2 की पावर 3 लिखा, ये दो दो में 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 ओवर 2, 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 3 की पावर 1 ओवर 2, 3 3 से कैंसिल पावर हो गई तो 3 आ गया, 5 1 ओवर 2 कैंसिल कर लिया था, नीचे 5 की पावर 1 ओवर 2, 2 की पावर 1 ओवर 2, 2 की पावर माइनस 1 ओवर 3, 2 की पावर माइनस 1 ओवर 3, 2 की 3 की पावर 2 है उसको दो दो फिर 3 इंटू 3 का पावर करते हुए पावर 1 और 2 लिख दिया, पावर को हमने दो दो फिर 1 ओवर 2 का ले दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 3 4 से कैंसिल हो गया और 2 ऊपर नीचे कैंसिल करने के बाद हमारे पास बच गया 2 की पावर, नीचे 2 ये दोनों ऊपर चले गए, ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, ये पावर भी पॉजिटिव होगी, ये पावर भी पॉजिटिव, 2 की पावर 1 ओवर 3, 2 की पावर 1 ओवर 3, 2 की पावर 1 ओवर 3, नीचे हमारे पास 3 की पावर 1 ओवर 2, बेस सेम पावर ऐड कर दी, 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 और नीचे आएगा 3 की पावर 1 ओवर 2, 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है तो 3 ओवर 3, 3 ओवर 3 आप उसमें कैंसिल होगा 2 आ गया और नीचे आपका 3 की पावर 1 ओवर 2 जो है उसको 2 की 2 3 की पावर रूट कर में चेंज कर दिया, नीचे रूट में नहीं होना चाहिए इसलिए हमने 3 रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले ऊपर लिखे गए आपस में, ये ऊपर लिख लिए और ये इन दोनों को नीचे हमने अंदर लिख लिया, दो रूट में सेम नंबर हो तो एक 3 बाहर हो गया और रूट खत्म हो गया, तो ऊपर आंसर हमारे पास आएगा 2 ओवर 3 रूट 3, ये हमारे पास आंसर होगा, ये इसको आंसर करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 ऑफ 2.7,
फोर की पावर थ्री, आगे थ्री की पावर पे फोर टू है, फोर की पावर थ्री और थ्री की पावर टू है, डिवाइडेड बाय फोर की पावर टू इज टू की पावर थ्री। देखिए बेटे इसमें फर्क है, फोर थ्री और ये टू लिखा, डिवाइडेड बाय फोर टू और थ्री लिखा। इसमें ये पावर टू आपस में मल्टीप्लाई होंगी इसमें, तो ये आ जाएगा फोर सिक्स डिवाइडेड बाय फोर सिक्स, लेकिन इसमें पावर की पावर है, इसमें थ्री की पावर टू है, ब्रैकेट नहीं लगी, तो हम क्या करेंगे, फोर लिखा, थ्री की पावर टू क्या होता है, थ्री की पावर टू का मतलब है थ्री को दो दो में मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइन आ गया, डिवाइडेड फोर की पावर टू और टू की पावर पे थ्री है, टू को टू की पावर थ्री का मतलब है टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा। देखें इसका आंसर हमारे पास फोर सिक्स मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा फोर सिक्स, तो ये कैंसिल होकर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा फोर की पावर नाइन रेसिप्रोकल हो गया फोर की पावर एट, तो क्या आ जाएगा फोर की पावर नाइन ओवर फोर की पावर, फोर की पावर नाइन और फोर की पावर एट। देखें ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, ये क्या आ जाएगा फोर की पावर नाइन माइनस एट, तो क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा आंसर। देखें इसमें आंसर डिफरेंट है, ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये दो डिफरेंट वे से सॉल्व किए जा रहे हैं, ये फोर की पावर थ्री अंदर मालूम करके उसकी पावर टू करेंगे, यहाँ पे पावर की पावर है तो थ्री की पावर टू नाइन होता है, तो नाइन इधर टू की पावर थ्री इस तरह करना है, आगे समझ। इस तरह आपको क्वेश्चन की अगर समझ आ गई है तो यस लिखिए, यस लिखिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और कोई क्वेश्चन 2.7 में रह गया हो, ये क्वेश्चन रह गए थे तो मैंने आपको कर दिए जी बेटे, यस लिख दीजिए अगर कर लिया है, यस लिखिए अगर कर लिया है तो समझ आ गई है तो। टू की पावर वन ओवर थ्री एज इट इज लिख दिया, ये मैंने टू की पावर वन ओवर थ्री लिख दिया, इसको मैंने ये एज इट इज लिख दिया। 12 आता है, ये आपका 12 है, देखते जाइए बेटे नवाल, 12 को ब्रेक करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसकी पावर 1 ओवर 2 कर दिया, 12 का आपका ये बन गया, ये 12 ब्रेक कर दिया। 27 को हमने 3 के पावर 3 लेकर 1 ओवर 3 लिख दिया, तो 27 का आपका ये प्रोसेस। 5 के पावर 1 ओवर 2 हमने ये 5 के पावर 1 ओवर 2 लिख दिया, ओके बेटे। अपॉन 10 है, ये 10 की पावर 2 है, अब 10 की पावर 2 की बात बताने लगो तो ये नीचे नीचे दिया हुआ है 5 टू द 10 कर दिया, ये 5 टू द 10 कर दिया, ये अब 4 की पावर माइनस 1 ओवर 3 है, इसका नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय ये हमने ये किया हुआ है बेटे, साथ साथ समझते जाइए, इसमें आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं उसको दो दफे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास 18, ये 18 है, 18 का हमने ये लिखा, 18 का ये लिखा जा रहा है। 81, ये 81 है अपॉन में, इसको हमने 3 के पावर 4 इंटू 1 ओवर 3 लिख दिया, ओके।
अब हमने 2^1/2 लिखा नीचे, ये एज इट इज हुआ 2^1/2 लिख दिया। ये इस 2 को हमने 1/2 ये लिख दिया, इस 2 को हमने ये लिखा है 1/2, इस 3 को ये 3^1/2 हमने ये लिखा। 3^3 था, हमने 3 पावर कैंसिल करके 3 लिख दिया, 5^2 1/2, इस 5 को हमने ये लिखा है, इस 2 को हमने ये 1/2 करके ये लिख दिया। ये 2 दफे था, ये 2 दफे हमने नीचे ये लिख दिया, एक ये है और एक ये है, ये नीचे लिख दिया। 3^2, 3×3 दो दफे लिख दिया गया, ये दोनों लिखे हुए, ये 3^1/2, 3^1/2 और ये 3 अकेला लिखकर आगे यहाँ से 2/1, ये जो 2^1/2 था वो मैंने लास्ट में लिखा। अब हम देखते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1/2 से कैंसिल हो गया, ये 1/2 से कैंसिल हो गया। ओके, ये 3/1/3 से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास 2^1/3 और नीचे ये दो जो है नीचे, इनको ऊपर लेकर गए हमने, ये लेकर ऊपर पॉजिटिव कर दिया पावर, और नीचे हमारे पास 3^3, ये 3^1/2 ये नीचे 3^1/2, ये ऊपर एक ही 2 लेकर पावरें ऐड कर दी और नीचे 3^2 ले दिया। 2^ एलसीएम, 3 एलसीएम आ गया, 1+1+1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/3 से कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास 2 आ गया, नीचे 3^1/2 था और 1/2 पावर को रूट में लिख दिया। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू के बाद 2 लिखा, 3 रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 रूट से नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर 2 और रूट 3 ऊपर लिख लीजिए, नीचे दोनों 3√3 नीचे लेकर एक 3 बाहर निकाल दिया, ऊपर आंसर आ गया 2/3√3 आंसर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 दफे रूट में तो 1 दफे 3 लेते हैं। नवाल बेटे समझ आ गई, तो यस लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, फिर यस लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2. ये रूट करना जरूरी है बेटे, रूट में देखें आप एक्सरसाइज के बाद पीछे आंसर में देखिएगा, उसने इसको रूट में दिया हुआ है। आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसका एक नंबर कार्ड दिया गया था जब ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ये 1984 में क्वेश्चन ये आया था, तो उसमें एक नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो ये एक नंबर इसका कार्ड लिया गया था कि आपने नीचे से रूट खत्म क्यों नहीं किया, नीचे रूट नहीं होना चाहिए था, तो नीचे का रूट खत्म करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करके उसी से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखा है। ओके बेटे, अब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.8 एक्सरसाइज नंबर 2.8 ये हमारा खत्म हो गया यहाँ 2.10। अब बेटे एक्सरसाइज में देखिए 2.8 एक्सरसाइज, इससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको रैशनलाइजिंग करना बताने लगा हूँ, गौर से देखिए। इसका वन का पार्ट नंबर 2 देखिए, वन का बिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, बिट नंबर 2,
ऑफ 2.8। इसमें सारा रैशनलाइज का ही काम है बेटे, 1/3 - 2√2 इज इक्वल टू, रैशनलाइज करने के लिए कंजुगेट, 3 - 2√2 का कंजुगेट 3 + 2√2 होता है। तो इसके कंजुगेट से ये कंजुगेट है इसका, इसका कंजुगेट ये नीचे दिया हुआ है। मिडल की साइन चेंज कर देंगे, शॉर्ट एक्सप्रेशन है, एक रियल नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया और दूसरा रूट में एक दिया हुआ है, दो माइनस साइन से डिफरेंट है। अगर इस तरीके से इस तरह के एक्सप्रेशन को शॉर्ट एक्सप्रेशन कहते हैं, तो 2 को रूट में लिखेंगे तो ये शॉर्ट एक्सप्रेशन है। तो शॉर्ट एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करना होता है, तो रैशनलाइज करने का मेथड समझ लीजिए पहले, जिसको ये आ जाएगा उसको बाकी सब क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी से इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 + 3 + क्या आएगा, 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 + 2√2 से ही डिवाइड कर दिया। इसके कंजुगेट से, इसे कंजुगेट क्या होगा, मिडिल की साइन चेंज कर दो, कंजुगेट होता है, इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी से डिवाइड करना है। इज इक्वल टू बेटे उसके बाद लिखेंगे, तो लिखने के बाद इज इक्वल टू के बाद 1/3 - 2√2 ये 1 + 3 + 2√2 मल्टीप्लाई ऊपर हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, 3 + 2√2 नीचे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखे बेटे ऊपर हमारे पास आएगा 3 + 2√2 अपॉन ये a - b हो गया और ये a + b तो किसके इक्वल होगा, a² - b² तो हम भी इसी तरह लिखेंगे, 3² - 2√2 फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू 3 + 2√2/3² क्या होगा, 9 - 2² इस 2² 4, इस बाहर वाले 2² क्या होगा, 4 और रूट का स्क्वेयर होगा तो रूट खत्म होगा, 2 आ जाएगा, तो क्या आ गया, 3 + 2√2/9 - 8 तो ये आ जाएगा 3 + 2√2/1 तो 1 लिखते नहीं तो ये रैशनलाइज होकर आंसर आ गया। आगे बेटे समझ, इसी तरीके से इसका बिट नंबर 3 देखिए, 1 का बिट नंबर 3 ऑफ 2.8, बिट नंबर 3 ये दिया हुआ है 1/5 + 2√2 इज इक्वल टू, इसके कंजुगेट से, कंजुगेट है इसका 5 + 2√2 का कंजुगेट होगा 5 - 2√2 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 + 2√2 - 5 - 2√2 और 5 - 2√2 ये हमने कंजुगेट सेपरेट ऐसे बता दिया बॉक्स में, इज इक्वल टू ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 2√2 ऊपर आ जाएगा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 + 2√2 * 5
माइनस टू रूट टू नीचे लिखा जाएगा, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे लिख लिए गए। अब बेटे उसके बाद नेक्स्ट हम लिखने लगे हैं फाइव माइनस टू रूट टू अपॉन ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया, इसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम फाइव का स्क्वायर माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, टू रूट टू है सिक्स रूट टू, टू रूट सिक्स है, रूट में सिक्स है बेटे, यहाँ पे ये भी सिक्स होगा, क्वेश्चन में सिक्स दिया हुआ तो सिक्स लिखिएगा। इसके कंजुगेट का भी यही होगा, ये सिक्स सिक्स सिक्स, इसका भी सिक्स, इसका भी सिक्स, जो लिखा जाएगा उसी को ही लिखेंगे सिक्स, और ये भी यहाँ पे भी सिक्स होगा और ये भी सिक्स आएंगे, ये भी किस क्वेश्चन में भी सिक्स आएगा, ये भी सिक्स होगा और ये भी सिक्स होगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव माइनस टू रूट सिक्स ओवर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू सिक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस टू रूट सिक्स ओवर ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू फाइव माइनस टू रूट सिक्स ओवर वन। तो वन लिखते नहीं है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, फाइव माइनस टू रूट सिक्स रैशनलाइज होगा। देखें अपॉन से रूट का नंबर ख़त्म करना है, नीचे रूट ना रहे तो इसको रैशनलाइज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइज। दो मिनट हैं, सिर्फ दो मिनट हैं इसके, अब आप रैशनलाइज करें इसको। मैं एक मैथ क्वेश्चन देकर करता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन नंबर थ्री कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ 2.8 सिर्फ रैशनलाइज तक हो सकेगा। ये p इज इक्वल टू दिया हुआ है थ्री प्लस टू रूट टू, तो इसको वन ओवर p करेंगे तो आ जाएगा वन ओवर थ्री प्लस टू रूट टू, इसको रैशनलाइज करेंगे तो थ्री माइनस टू रूट टू, यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और कंजुगेट से डिवाइड कर दिया। ओके ओके, वन ओवर पी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू रूट टू ओवर, ये दोनों लिखे जाएंगे थ्री प्लस टू रूट टू इन टू थ्री माइनस टू रूट टू अपॉन ये वन ओवर पी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू रूट टू ओवर थ्री का स्क्वेयर माइनस टू रूट टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री माइनस टू रूट टू ओवर नाइन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू थ्री माइनस टू रूट टू ओवर नाइन माइनस एट